और मेरे भाइयों कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसीपी की हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब एसीपी का हाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी हाइट तो कम है ज़्यादा है, तो क्या हम कैसे पता करें इस चीज़ को लेकर, तो यही मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है MD सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये बताते हुए कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पुरुष उम्मीदवार है, मतलब पुरुष उम्मीदवार मेल हाइट जो है 165 सेमी रखा गया है, वही आपको जो महिला उम्मीदवार है 150 सेमी रखा गया है। और चेस्ट की बात करें पुरुष कैंडिडेट की, तो 80 सेमी रखा गया, वहीं गर्ल्स का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 165 सेमी मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 150 सेमी, और वहीं चेस्ट की बात करें तो 80 सेमी, मतलब 80 सेमी इसलिए क्योंकि गर्ल्स का कोई भी प्रावधान नहीं है चेक, मतलब कि। तो यही भी स्टूडियो में था, तो यहाँ तक बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।